सुझाव यही है, मैंने शुरुआत यहाँ से करना है कि हमारा नया खेती का जो तरीका होगा उसका विचार और बाजार का कीमत क्या है और कितना विलायत का आदमी क्या खाएगा, ऑर्गेनिक फूड एक्सपोर्ट करने के लिए केवल है, गरीब के लिए नहीं है, वो जैसा हो सकता है उतना ही खाएगा, ये सोच सही नहीं है। सोच होना चाहिए कि अगर यहाँ के वातावरण में हम इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर सोचते हैं तो यहाँ क्या पेड़ है, यहाँ कौन से जानवर हैं, यहाँ कौन से पंछी हैं, उसके बारे में हमारे अच्छी जानकारी होना चाहिए। तो हमारा सुझाव अगर होगा तो वही डिसेंट्रलाइज मॉडल का होगा कि सारे देश में एग्रीकल्चर का एक ही मॉडल बना के उसको इम्प्लीमेंट करने का खास कोई फायदा नहीं है, एक सुझाव। दूसरा सुझाव कि हर इलाके के लिए लोग को अपने डेवलप करने दे मॉडल। और दूसरा है कि हमारे देश में अभी कोई मछली का स्पेशलिस्ट है, कोई धान का स्पेशलिस्ट है, कोई पेड़ का स्पेशलिस्ट है, इस तरह से स्पेशलिस्ट बहुत बन गए हैं, लेकिन पूरा खेती का कोई डिपार्टमेंट भी नहीं है, स्पेशलिस्ट भी नहीं है। सो दैट इज बेसिक। सो एज फार एज स्मॉल फार्मर इज कंसर्न, जहाँ तक छोटे फार्मर का सवाल है, छोटे किसान का सवाल है, वो दो एक गाय भी रखता है, वो तीन चार बकरी भी रखता है, वो कुछ बत्तख या मुर्गी भी रखता है, वो कुछ फल भी उगाता है, वो सब्जी भी उगाता है, वो कुछ धान या भुट्टा भी उगाता है। तो कैसे सबको ठीक से किया जाए, साल भर में कब किसको क्या करें, इसको सोच के ही बनाया जाता है। तो ऐसा खेती होना चाहिए और ऐसे छोटे किसान को मदद करने के लिए भी सरकारी योजना होना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ होम एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर या डिपार्टमेंट ऑफ वीमेंस एग्रीकल्चर। ऐसा अगर होगा तो ज़्यादा काम का होगा, वो हमारे यहाँ है नहीं अभी। जो है हर वक्त हमारा फोकस कमर्शियल के ऊपर रहता है, हम बोलते हैं गरीब के लिए, लेकिन हमारे देश में 60% लोग जो जिस स्केल में सोचते हैं उनके लिए सरकार खास कुछ करता नहीं है। उनके जितने सोच हैं वो एग्रीकल्चर कंपनी के लिए है, बड़ा बड़ा जिसके पास 10 एकड़ 20 एकड़ ज़मीन है वो क्या करेगा, इसको लेके बहुत लोग सोचते हैं। लेकिन जो आदमी के पास केवल 1 एकड़ ज़मीन है और जो देसी गाय, देसी बैल, देसी खरगोश, देसी मुर्गी इसी से काम लेता है, उसको क्या किया जाए इसके बारे में खास कुछ नहीं सोचते हैं। और ये हमारी एक फेलियर का एक कारण है कि उसके लिए अगर बैंक से लोन नहीं मिलता है, उसके लिए इंश्योरेंस नहीं होता है, उसके लिए तो जो कुछ हमारे देसी संसाधन है उसके बारे में हमारे जानकारी और बढ़ना चाहिए। और अगर हमारे पास किताब में जानकारी नहीं है तो लोगों के पास है जानकारी कि वो कैसे इस्तेमाल होता है, उसका क्या सुविधा है, क्या असुविधा है, तो उसको लेके सोचना है। नहीं तो हाइब्रिड जो है बहुत सारे जगह में, जैसे धान के खेत में अगर आप खाकी कैम्बेल हंस बत्तख को छोड़ेंगे जो कि जिसके लिए सरकार लोन देती है, लेकिन वो बत्तख बनाया ही गया है कि मिट्टी में रहे, पानी में ना जाए, तो धान के खेत में उनको इंटीग्रेट करना संभव नहीं है। वहाँ तो देसी जो हमारे बत्तख हैं वो कम अंडा दे सकते हैं, लेकिन वहाँ वही काम करेंगे। हो सकता है होल्स्टाइन गाय, बाहर का गाय, वो दूध ज़्यादा देगा, लेकिन वो बैलगाड़ी नहीं खींचना सकेगा, वो प्लाव नहीं खींच सकेगा। तो अगर प्लाविंग के लिए ज़रूरी है तो अगर हम मान के चलते हैं कि नहीं प्लाविंग ट्रैक्टर से ही होगा, बड़े किसान के लिए ठीक है, लेकिन जिसका आधा एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है, उसके लिए ट्रैक्टर इस्तेमाल करना इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, उतना कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं, इसीलिए उसको लेके भी सोचना चाहिए हमको लगता है।